हेलो बच्चों, मैं सत्यम सर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पे। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सारे प्रोसेस इसको एकदम बेहतरीन तरीके से डिटेल में पढ़ लिया था। इस लेक्चर में अभी हम लोग हीट इंजन को शुरुआत करने वाले हैं। हीट इंजन मतलब एक्चुअली इस चैप्टर में पहले आधे आधे पार्ट में डिवाइड कर सकते हो आप। पहले पार्ट में चैप्टर में प्रोसेसेस वगैरह थे जो कि मेजोरिटी ऑफ द चैप्टर का पार्ट था प्रोसेसेस तक जो हमने लास्ट लेक्चर तक पढ़ा। अभी लास्ट वाला पार्ट है, थोड़ा सा पार्ट है छोटा सा, इंजिन्स रेफ्रिजरेटर वगैरह, तो वो पार्ट को हम लोग शुरू करेंगे। देखो सबसे पहले आपको बोलना चाहता हूँ कि आप हीट इंजिन्स वाला जो कॉन्सेप्ट है जो हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं वो कॉन्सेप्ट एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिएगा तो आपको रेफ्रिजरेटर में प्रॉब्लम नहीं आएगा। रेफ्रिजरेटर में सारी चीज़ें ऑपोजिट चल रही होती है हीट इंजिन के, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इस लेक्चर को। हीट इंजन, हीट इंजन मतलब क्या होता है? हीट इंजन मतलब ऐसा डिवाइस है, ऐसा मशीन है, आपने इंजन वगैरह सुना होगा गाड़ी का इंजन, बस वैसा ही, जो हीट का कन्वर्जन वर्क में या एनर्जी में करता है। क्या करता है वो? हीट का कन्वर्जन वर्क या एनर्जी में करता है। देखो, हीट इंजन्स आर अ डिवाइसेस दैट ट्रांसफॉर्म हीट पार्टली इंटू वर्क और मैकेनिकल एनर्जी। जो हीट पार्टली कन्वर्ट करता है किस में? वर्क में और मैकेनिकल एनर्जी में। मतलब इस इनमें सिंपली हीट भी एक एनर्जी का ही फॉर्म है ना। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रांसफर फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो वैसा ही हीट का कन्वर्जन वर्क या एनर्जी में होता है, ठीक है। चलिएगा, हीट इंजिन्स वर्क बाई यूजिंग साइक्लिक प्रोसेसेस इन्वॉल्व थर्मोडायनेमिक चेंजेस। मतलब हीट इंजिन्स जो है ना वो साइक्लिक प्रोसेसेस में वर्क करते हैं, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए भी, बोर्ड्स के लिए, कि हीट इंजिन्स जो है ना वो साइक्लिक प्रोसेसेस में वर्क करते हैं, ठीक है। चलो, देन एंड इन्वॉल्व थर्मोडायनेमिक चेंजेस। थर्मोडायनेमिक चेंजेस का मतलब क्या होता है? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इन पैरामीटर्स में चेंज होना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? थर्मोडायनेमिक चेंज कहते हैं। ऑटोमोबाइल इंजिन्स आर फेमिलियर एग्जाम्पल ऑफ हीट इंजिन्स। ऑटोमोबाइल मतलब जो गड्डी वगैरह होती है ना भाई, गाड़ी वगैरह होती है, उसमें जो इंजिन्स यूज होते हैं ना, वो एक बेस्ट सिंपल एग्जाम्पल है हीट इंजिन्स का। चलो नेक्स्ट, एलिमेंट्स ऑफ हीट इंजिन। अभी ये तो बस आपको एनिमेशन बढ़िया सा आप बस फील कर पाओ इसके लिए बताएं। ये क्रैंक शाफ्ट अरेंजमेंट बोला जाता है इसे, क्रैंक और शाफ्ट अरेंजमेंट। यहाँ पे पिस्टन दिख रहा है आपको, होता क्या है? पिस्टन, ये सिलेंडर है जिसमें पिस्टन लगा हुआ है और इसमें कुछ कन्वर्जन हो रहा है कुछ चीज़ों का। यहाँ पे कोई सब्सटेंस होगा जो इधर इधर जा रहा है, जो ये क्रैंकशाफ्ट मोमेंट को सपोर्ट कर रहा है। इस तरीके से हीट इंजन वर्क कर रहा होता है, हम लोग देखने वाले अभी आगे। और जो आपको राइट हैंड साइड में डायग्राम दिख रहा है ना, ये वाला डायग्राम, तो वो वाला डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाला है हीट इंजन के फॉर्मूलाज के लिए, ठीक है। चलो अभी होता है एलिमेंट्स ऑफ हीट इंजन। हीट इंजन के एलिमेंट्स क्या क्या है? हीट इंजन के एलिमेंट्स क्या क्या है, मतलब क्या हीट इंजन के लिए क्या क्या जरूरी है, ये देखते हैं अभी हम लोग, ठीक है। सबसे जरूरी है वर्किंग सब्सटेंस। वर्किंग सब्सटेंस मतलब क्या? ठीक है, हम हीट का कन्वर्जन वर्क में एनर्जी में करने वाले हैं, बट जो हीट का कन्वर्जन वर्क में एनर्जी में करेंगे तो वो कोई तो जो करेगा, ऐसा कोई सब्सटेंस चाहिए ना, मेडिएटर चाहिए हमें कि जो हीट का कन्वर्जन वर्क में कर दे। तो वो मेडिएटर, वो सब्सटेंस, वो होता है वर्किंग सब्सटेंस, ठीक है। इसको वर्किंग सब्सटेंस में क्या क्या यूज़ किया जाता है ये भी हम लोग देखेंगे। देखो, इट कैन बी आइडियल गैस, आइडियल गैस से भी कन्वर्ट किया जा सकता है हीट को वर्क में फॉर आइडियल हीट इंजन, ठीक है। फॉर अ प्रैक्टिकल हीट इंजन द वर्किंग सब्सटेंस कैन बी मिक्सचर ऑफ, आइडियल हीट इंजन के लिए आइडियल गैस, बट प्रैक्टिकल हीट इंजन्स, प्रैक्टिकल हीट इंजन्स मतलब क्या? जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, डे टू डे लाइफ में, वो हो सकते हैं मिक्सचर ऑफ फ्यूल वेपर एंड एयर। फ्यूल वेपर एंड एयर का मिक्सचर किस में? गैसोलिन, पेट्रोल, ठीक है, और डीजल इंजन, स्टीम इन स्टीम इंजन। मतलब वर्किंग सब्सटेंस जो है, स्टीम इंजन में स्टीम होता है, वर्किंग सब्सटेंस स्टीम पे वर्क करता है वो, मतलब जो हमारा कन्वर्जन करा के देगा वो हमारा वर्किंग सब्सटेंस होता है। इट इज द वर्किंग सब्सटेंस दैट एब्जॉर्ब्स हीट एंड डज वर्क। मैं वही बोल रहा था, वर्किंग सब्सटेंस हमारे लिए काम कर रहा होता है, हीट का कन्वर्जन वर्क में करता है। नेक्स्ट एलिमेंट है हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर। अभी नाम क्या होता है, नाम से क्या पता चल रहा है? हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर,
रिजर्वायर मतलब क्या? रिजर्वायर तो वाटर के होते हैं, ये हॉट और कोल्ड रिजर्वायर क्या गर्म पानी ठंडा पानी है क्या? ऐसा कुछ नहीं है भाई, हॉट रिजर्वायर मतलब हीट का रिजर्वायर। इसे हम लोग सोर्स भी कहते हैं, टेक्निकल वर्ड्स में इसे सोर्स भी कहते हैं। अच्छा, हॉट रिजर्वायर मतलब क्या है? एक मान लीजिए एक समुंदर है और गर्म पानी का समंदर है, उस गर्म पानी के समंदर से आप एक लोटा गर्म पानी निकाल लो तो उसका टेम्परेचर कम होने वाला है क्या? नहीं, उसके पास तो बहुत ज़्यादा हीट है ना, तो हॉट रिजर्वायर मतलब हीट का रिजर्वायर कहते हैं, जिसे हम लोग सोर्स कहते हैं। अगर हमें हीट लेना है तो हम लोग हॉट रिजर्वायर से हीट लेंगे, जिससे कि हॉट रिजर्वायर से हीट लेने से उसके टेम्परेचर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास तो बहुत ज़्यादा हीट है ना, रिजर्वायर है वो हीट का, ठीक है। देन कोल्ड रिजर्वायर मतलब कि ये ठंडा, ठंडा मतलब क्या? इसका टेम्परेचर बहुत कम होता है। टेम्परेचर कम होना मतलब क्या? मतलब अगर एक तालाब था, उसका टेम्परेचर बहुत कम है, ठीक है, कूलनेस कूलनेस कूल है, एकदम एकदम कूल है। मतलब ऐसा कोई इंसान होता है ना जिसे गुस्सा ही नहीं आता है कभी, तो बस वैसे ही जो भी बचा कुचा हीट आप कितना भी दे दो कोल्ड रिजर्वायर में, वो ठंडा ही रहेगा। मतलब हमें जो बचा कुचा हीट हम लोग लेंगे उसको वर्क में कन्वर्ट करेंगे, तो उसमें कुछ हीट बच सकता है ना, सारा का सारा हीट थोड़ी वर्क में कन्वर्ट होता है, तो वो 100% इफिशियंट हो जाएगा, वैसा नहीं होता है। तो उसके लिए कोल्ड रिजर्वायर को हम लोग बचा कुचा हीट देते हैं, ताकि बचा कुचा हीट देते हैं ताकि इसको कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है, मतलब कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। और इसे हम लोग सिंक के नाम से जानते हैं, हॉट रिजर्वायर को सोर्स और कोल्ड रिजर्वायर को सिंक के नाम से जाना जाता है। द वर्किंग सब्सटेंस इंटरैक्ट विद द रिजर्वायर्स, वर्किंग सब्सटेंस हॉट रिजर्वायर और कोल्ड रिजर्वायर के बीच में इंटरैक्ट कर रहा होता है। हॉट रिजर्वायर इज द सोर्स ऑफ हीट, मैंने बताया आपको, इट इज रिलेटिवली एट हाई टेम्परेचर एंड इज कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एट टेम्परेचर TH। मतलब इनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है हॉट रिजर्वायर्स का, और वो कैपेबल है कहाँ पे? हीट प्रोवाइड करने के कैपेबल है। देन अमाउंट ऑफ हीट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे वो प्रोवाइड कर सकते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सोर्स, यही मैंने बताया आपको। कोल्ड रिजर्वायर एब्जॉर्ब्स लार्ज अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द वर्किंग सब्सटेंस एट कॉन्स्टेंट लोअर टेम्परेचर, TC मतलब कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर, और वो बहुत कम होता है, उसमें आप कितना थोड़ा बहुत बचा कुचा या ज़्यादा हीट भी दे दो तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वही एग्जाम्पल है, गर्म पानी का समंदर था ना, अभी ठंडे पानी का समंदर है और उसमें एक लोटा आपने बॉईल करता हुआ मतलब उकळतं पानी टाकून दिलं, आम्ही त्याच्यात आपण त्याच्यात काय टाकलं? उकळतं पानी, काय फरक पडेल त्याला? काहीच फरक नाही पडणार, ठीक है। तो बस वही चीज होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिंक, ये भी मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट सिलेंडर, अरे भाई ठीक है, हम लोग वर्किंग सब्सटेंस का यूज करके वर्किंग सब्सटेंस का यूज करके हीट को वर्क में कन्वर्ट करेंगे, पर कहाँ, वेयर? ये प्रोसेस करने के लिए कोई जगह तो चाहिए ना भाई, कहाँ पे करोगे? तो वो होता है सिलेंडर। सिलेंडर मतलब क्या? ये चीज दिख रहा है आपको, इसमें वर्किंग सब्सटेंस होगा जो हीट का कन्वर्जन वर्क में करेगा, वो एक एनक्लोज्ड होगा एक स्पेस में, उसे हम लोग सिलेंडर कहते हैं। जनरली द वर्किंग सब्सटेंस इज एनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर विद अ मूविंग फ्रिक्शनलेस मासलेस पिस्टन। द वर्किंग सब्सटेंस डज सम वर्क बाय डिस्प्लेसिंग पिस्टन इन द सिलेंडर, बाय डिस्प्लेसिंग पिस्टन इन द सिलेंडर। द डिस्प्लेसमेंट इज ट्रांसफर्ड टू द एनवायरमेंट यूजिंग सम अरेंजमेंट। डिस्प्लेसमेंट एनवायरमेंट को ट्रांसफर किया जाता है कुछ अरेंजमेंट से, सच एज क्रैंकशाफ्ट विच ट्रांसफर्स मैकेनिकल एनर्जी टू व्हील्स ऑफ अ व्हीकल, जो मैकेनिकल एनर्जी को व्हील्स ऑफ व्हीकल में कन्वर्ट करता है। मतलब गाड़ी में जो इंजन होता है, वो जो पहिए होते हैं, व्हील्स होते हैं, चक्के होते हैं, वो हिलाता है ना, वो मूव कराता है ना, तो वो उसका वर्क होता है, ठीक है। उम्मीद है ये तीनों एलिमेंट समझ में आएंगे, याद रखना ये तीनों भी एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और मतलब इस पर शॉर्ट नोट लिखने के लिए भी आता है आपको एग्जाम वगैरह में। चलो आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज बताता हूं, दो टाइप के इंजन होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल कंबशन इंजन, दो टाइप के इंजिन्स क्या होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल कंबशन इंजन
और दूसरा होता है इंटरनल कंबशन इंजन। दो इंजन है, एक एक्सटर्नल कंबशन और दूसरा इंटरनल कंबशन इंजन, ठीक है। अभी क्या डिफरेंस है इसमें, होता क्या है, वर्किंग सब्सटेंस दोनों में हीट होने वाला है, इसमें होता है वर्किंग सब्सटेंस इज हीटेड एक्सटर्नली, मतलब जो वर्किंग सब्सटेंस है वो एक्सटर्नली हीट किया जाता है, तो उसे एक्सटर्नल कंबशन हीट इंजन कहते हैं। और इसमें वर्किंग इज हीटेड इंटरनली, मतलब वर्किंग सब्सटेंस को इंटरनल अंदर ही अंदर से हीट किया जाएगा, तो उसे हम लोग इंटरनल कंबशन हीट इंजन कहते हैं। अगर आपको इसके एग्जाम्पल चाहिए तो इसका एग्जाम्पल होता है हीट इंजन, ही इसका एग्जाम्पल होता है। और इसका एग्जाम्पल होता है ऑटोमोबाइल इंजन, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, ऑटोमोबाइल इंजन। भी क्या डिफरेंस है सर दोनों इंजन में, ये भी बता देता हूँ। डिफरेंस ये है कि ऑटोमोबाइल इंजन का इफिशियंसी ज़्यादा होता है, इफिशियंसी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, और हीट इंजन का इफिशियंसी कम होता है। किसके कंपैरिजन में, हम लोग इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, हीट इंजन और ऑटोमोबाइल इंजन को। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए, कोई भी इंजन तीन स्टेप्स में वर्क करता है, कौन से तीन स्टेप्स, पहला स्टेप होता है द वर्किंग सब्सटेंस एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम अ हॉट रिजर्वायर एट हाई टेम्परेचर। पहले वो हाई टेम्परेचर पर जो हमें हमारे पास है क्या है, हॉट रिजर्वायर, उस हॉट रिजर्वायर से हम लोग हीट लेते हैं, ठीक है। देन द पार्ट ऑफ द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द वर्किंग सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू वर्क, मतलब हीट लेके वो हीट लेके किस में कन्वर्ट करेंगे, अभी वर्क में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड स्टेप। एंड थर्ड स्टेप, रिमेनिंग हीट इज ट्रांसफर्ड टू कोल्ड रिजर्वायर एट लोअर टेम्परेचर। बची कुची जो हीट है ना, वो हम लोग जो लोअर टेम्परेचर पे हमारे पास कोल्ड रिजर्वायर था उसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं। हॉट रिजर्वायर से हीट लेना पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, वो जो हीट लिया है वर्किंग सब्सटेंस ने, वो हीट को किस में कन्वर्ट करना, वर्क में कन्वर्ट करना। और तीसरा स्टेप, पूरा का पूरा हीट वर्क में कभी कन्वर्ट नहीं होता है, ऐसा हो जाए तो इफिशियंसी 100% आएगा, बट ऐसा होता नहीं है, कुछ हीट बच जाता है, ठीक है। मतलब मान लो कि सिंपल एग्जांपल, मैंने अगर किसी बच्चे को बोला 100 फॉर्मूले लिख के दिया और उसको बोला पूरे 100 फॉर्मूलेस कल लर्न करके आना, अगर उसने कल पूरे 100 फॉर्मूलेस लर्न कर लिए तो वो 100% इफिशियंट है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, कुछ फॉर्मूलेस छूट जाते हैं ना, ठीक है। ह्यूमन है भाई, हम मशीन थोड़ी ना है, रोबोट वगैरह थोड़ी है, तो उसने मान लो 90% फॉर्मूलेस मुझे बता दिए, यार 85 फॉर्मूलेज बता दिए मान लो, 15 नहीं बताया ना, तो उसका इफिशियंसी हुआ 85%, तो बच गया ना कुछ तो 15%। तो वैसे ही हीट जो भी लिया जा रहा है ना हॉट रिजर्वायर से, उसका कन्वर्जन वर्क में करते हैं, बट पूरा नहीं होता है, कुछ बच जाता है, बचा कुचा जो होता है वो कोल्ड को दिया जाता है, रिजर्वायर को। डिफाइन इफिशियंसी ऑफ ए हीट इंजन। चलो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होता है, ठीक है, न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इफिशियंसी ईटा से डिनोट करते हैं हम लोग। और इफिशियंसी कभी भी याद रखना आप, होता क्या है, इफिशियंसी होता है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। क्या होता है इफिशियंसी, इफिशियंसी होता है बेटा आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, मतलब जो भी आप आउटपुट लेने वाले हो वो जो चाहिए आपको, और जो आप इनपुट दे रहे हो वो। अभी ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि ये डायग्राम आपको एग्जाम में बनाना पड़ता है। ये डायग्राम क्या बता रहा है आपको, एरोज इंपॉर्टेंट है। यही एरोज में रेफ्रिजरेटर में उल्टा कर दूंगा, बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इंजिन्स को डिटेल में पढ़ाऊंगा, रेफ्रिजरेटर में टाइम नहीं लगेगा, फटाफट खत्म कर देंगे, ठीक है। चलो होता क्या है, मेरे पास हॉट रिजर्वायर होता है, वो हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर TH होता है, तो वो TH वहाँ से हीट लिया जाता है। कितना अमाउंट ऑफ हीट लिया हमने वहाँ से, QH अमाउंट ऑफ हीट हमने वहाँ से लिया, ठीक है। और वो हीट लेने के बाद इन आउटपुट फॉर्म में हमने क्या दिया, आउटपुट फॉर्म में हमें वर्क चाहिए था, ठीक है। अच्छा, हीट लिया वर्क में कन्वर्ट करके दे दिया, बट पूरा यूज़ नहीं होता है ना, इफिशियंट 100% नहीं होता है,
तो कुछ बच जाता है, तो वो जो बचा कुचा हीट है उसे हम लोग क्यूसी कहते हैं, क्योंकि हम लोग उसे किसे दे रहे हैं, उसे हम लोग दे रहे हैं कोल्ड रिजर्वायर के लिए, ठीक है, किसे दे रहे हैं हम लोग कोल्ड रिजर्वायर के लिए, ध्यान दीजिएगा अभी। चलिएगा ध्यान दीजिएगा अभी, इफिशियंसी, भाई इफिशियंसी तो ठीक है निकाल लूँगा, आउटपुट क्या है वो बताओ, क्यू एच है, डब्ल्यू है, क्यू सी है, आउटपुट तो डब्ल्यू है ना, वर्क डन, और इनपुट क्या है, इनपुट मतलब कौन लिया, किससे आप कन्वर्जन कर रहे हो, तो क्यू एच ले रहे हो ना हीट, तो इफिशियंसी का फॉर्मूला याद रखना, रटना नहीं है, आउटपुट बाई इनपुट हमेशा इफिशियंसी कहीं पर भी आने दो, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, कहीं पर भी आने दो, आउटपुट बाई इनपुट ही होता है, तो यहाँ पर आउटपुट वर्क डन ले रहे हैं और इनपुट उसको दे रहे हैं हम लोग क्यू एच का, ओके। इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करना है, एनर्जी कंजर्वेशन हमेशा वैलिड होता है, एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है, हमेशा वैलिड होता है। क्या मतलब है एनर्जी कंजर्वेशन का, मतलब जितनी एनर्जी ले रहे हो या जितनी बाहर जा रही है सब एक ही है, मतलब जितनी ले रहे हो और जितनी बाहर जा रही है सब सेम है, मतलब यहाँ पे ध्यान देना, मेरे हाथ के पास ध्यान देना, एनर्जी ली जा रही है क्यू एच, क्यू एच ले रहे हो ना हीट, क्यू एच ले रहे हो, वो वर्क डन में गया और क्यू सी में गया, मतलब ऐसे वो बाइफर्केट हो गया ना, आया और बाइफर्केट हो गया, इसका मतलब मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ जो क्यू एच हीट लिया जा रहा है वो हीट कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है, वो हीट वर्क डन में खर्च हो रहा है प्लस जो वेस्ट जा रहा है वो, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं, क्योंकि जो हीट ले रहे हो वो वर्क डन में जा रहा है या क्यूसी में जा रहा है बस। अच्छा तो अभी देखिएगा वर्क डन का फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ से वर्क डन का फॉर्मूला बनेगा क्यू एच माइनस क्यू सी, क्या बनेगा क्यू एच माइनस क्यू सी, ये याद रखना होगा, ये इफिशियंसी के फॉर्मूले में पुट कर दो, इफिशियंसी इज इक्वल्स टू वर्क डन डिवाइडेड बाई क्यू एच होता था, तो वर्क डन की जगह पर हम लोग क्या यूज़ करने वाले अभी, जस्ट वेट, एक मिनट बस वेट कीजिएगा, क्यों नहीं चल रहा ये, चलो ध्यान दीजिएगा। हाँ वर्क डन के जगह क्या यूज़ करने बोला मैंने आपको, मैंने बताया क्यू एच माइनस क्यू सी यूज़ कर लेना, ठीक है, क्यू एच माइनस क्यू सी डिवाइडेड बाई क्यू एच, अभी ध्यान दीजिएगा ये क्यू एच दोनों को डिवाइड कर दो, क्यू एच डिवाइडेड बाई क्यू एच माइनस क्यू सी बाई क्यू एच, ध्यान रखना ये क्यू एच क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा और आपको इफिशियंसी का एक सिंपल सा फॉर्मूला मिल जाएगा, वन माइनस क्यू सी बाई क्यू एच, वर्क डन पता हो तो वो वाला फार्मूला यूज़ कर लेना, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको यही वाला फार्मूला यूज़ करना पड़ता है क्योंकि दिया नहीं जाता है चीज़ें, ठीक है, दिया नहीं जाता है, देन इसी फार्मूले को अलग अलग वेज में आप लिख सकते हो, कैसे अलग अलग वेज में, हाँ हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर टी एच है और कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर टी सी है, तो सिंपल आपको ट्रिक बताता हूँ याद रखने के लिए, वन माइनस, ध्यान देना क्यू सी मतलब कोल्ड है ना, तो कोल्ड का टेम्परेचर लिखना भाई, कोल्ड का टेम्परेचर लिख, टी सी लिख दे, और QH मतलब हॉट रिजर्वायर का हीट है ना, तो TH लिख दे, ये हो गया इफिशियंसी, हाँ ये हो गया इफिशियंसी, क्लियर है। देन कभी कभी आपको CT वगैरह में ये इसके टेम्परेचर को T2 बोल दिया जाता है और इसके टेम्परेचर को T1 बोल दिया जाता है, तो T1 T2 के फॉर्म में भी लिख दो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं, वन माइनस TC मतलब T2 और TH मतलब T1, बस सिंपल सा चीज, ठीक है, समझ में आया आपको यहाँ तक इफिशियंसी तक चीज़ें, एक बार देख लीजिएगा, कहीं पर डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो। पूरे एक ही स्लाइड में आपको पूरा इफिशियंसी दे दिया है, इफिशियंसी का क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाएगा कहीं पे भी, न्यूमेरिकल गारंटी है, लिख लेना, इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन का अगर क्वेश्चन आता है CET में आने दो, बोर्ड्स में आने दो, कहीं से भी आने दो, डेरिवेशन आने दो, शॉर्ट नोट आने दो, पूरा एक स्लाइड में दे दिया, ठीक है। यहाँ पे बस आपको क्या करना होता है, आपको थोड़ा थ्योरी लिखना होता है कि QH मतलब क्या होता है, QC मतलब क्या होता है,
QH मतलब क्या लिखना है, अमाउंट ऑफ हीट टेकन फ्रॉम हॉट रिजर्वायर एज इनपुट। QC मतलब क्या लिखना होता है, अमाउंट ऑफ रिमेनिंग हीट आफ्टर कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क विच इज गिवन टू कोल्ड रिजर्वायर, ठीक है। और W मतलब वर्क डन होता है, और TH TC लिखना है तो वो भी लिख सकते हो आप लोग। चलो ये तो हमने देख लिया स्केमेटिक डायग्राम, ये डायग्राम, ये पूरा उसका थ्योरी। हाँ, ये ग्राफ पर ध्यान दीजिएगा, ग्राफ एक बार टेक्स्ट बुक में देखना, मैं आपको बता देता हूँ। ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है, ये PV ग्राफ है, प्रेशर वॉल्यूम। आपको पता है थर्मोडायनेमिक्स में प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये A से B, B से C, C से D, D से A। अभी होता क्या है, ये जो प्रोसेस आपको दिख रहा है ना वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, ये हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, AB जो है वो हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। और दूसरी चीज वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब ये आइसोकोरिक प्रोसेस होता है भाई, ध्यान रखना ये आइसोकोरिक प्रोसेस होता है। देन ये वर्क डन बाय गैस है, ये क्या है, वर्क डन बाय गैस मतलब बी टू सी वो गैस वर्क डन कर रहा है। कैसे कैसे वर्क डन कर रहा है, तो कोई प्रोसेस यूज करके वर्क डन कर रहा है। देन सी टू डी फिर से हीट रिजेक्ट कर रहा है, यहाँ पे क्या हुआ, हीट एब्जॉर्ब हुआ, ए टू बी में हीट एब्जॉर्ब किया, फिर वर्क डन किया और हीट रिजेक्ट कर दिया। सी टू डी में क्या किया, हीट रिजेक्ट किया, और डी टू ए में क्या किया, वर्क डन ऑन दी गैस। तो पहले क्या था, वर्क डन बाय दी गैस था। बी टू सी में गैस ने वर्क किया, बाय दी गैस ऑन दी गैस, याद कीजिएगा साइन कन्वेंशन के वक्त बहुत ज्यादा डेप्थ में और डिटेल में आपने उस पर डिस्कशन किया था हम लोगों ने, और बताया भी था मैंने आप लोगों को। तो ये क्लियर हो गया ग्राफ, ये ग्राफ डायरेक्ट पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन पीवी डायग्राम ऑफ जनरल हीट इंजन। सबसे पहले याद रखना ए बी आइसोकोरिक, देन बी सी ऐसे कर्व आइसोथर्मल टाइप, देन सी टू डी वर्टिकल वर्टिकल लाइन। पहले हीट क्या हुआ, एब्जॉर्ब, देन वर्क डन बाय दी गैस, हीट रिजेक्टेड, एंड फिर ज्वाइन कर दो, साइक्लिक प्रोसेस बनता है। पहले ही स्लाइड पे बताया था ना, साइक्लिक प्रोसेस बनता है, तो लास्ट में वर्क डन ऑन दी गैस, खत्म। ये ग्राफ आता है आपको बनाने के लिए, आपको सारे पॉइंट्स लिखकर हर प्रोसेस क्या इंक्लूड कर रहा है, क्या बता रहा है, ये आपको लिखना होगा। चलो उम्मीद है ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये इस लेक्चर में हम लोगों ने चर्चा की हीट इंजन के ऊपर। अगले लेक्चर में हम लोग चर्चा करने वाले, डिस्कशन करने वाले हमारे रेफ्रिजरेटर वाले पार्ट पर, ठीक है। रेफ्रिजरेटर भी बहुत सिंपल सा पार्ट होता है, बहुत कुछ डिफिकल्ट चीजें नहीं है रेफ्रिजरेटर वाले इसमें भी, ठीक है। तो चलो मैं सत्यम भंडारी यहीं पर रुकता हूँ, हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में। टिल देन पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो बस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक। चलो बाय बाय, टेक केयर।